अभय दुबे जी, शरद पवार ने क्या गलत बयानी की है कांग्रेस के मुताबिक? चित्रा जी, बोलिए, चित्रा जी, बोलिए सर, आप ही से सवाल था। नहीं चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी जी ने यह अप्रामाणिक आरोप लगाया कि इंडोनेशिया से ओवर इन्वॉइसिंग करके अडानी जी ने कोल मंगाया जहां पे हमारे उपभोक्ताओं को उसका भार पड़ा। 2016 में केस डीआरआई ने रजिस्टर किया, आज 23 हो गया, क्या हुआ राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। 6-6 एयरपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के विरोध के बाद, नीति आयोग के विरोध के बाद, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट था 2008, उसको वायलेट करके आपने दे दिए। तो ये प्रश्न कहां अप्रासंगिक है, ये देश के सवाल है। हाँ। लेकिन ये जो धन्ना सेठों को पोषित करने की मनोवृत्ति है अवैधानिक तरीके से, तो ये जो आपके राज्यों के मुख्यमंत्री अडानी को लेकर जा रहे हैं, वहां पर कामकाज कर रहे हैं, वो कौन से धन्ना सेठ को खुश करने की कोशिश है? इस सवाल का जवाब अभय दुबे जी दे दीजिएगा, लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बता रहे हैं कि इतने प्रधानमंत्री आवास बन जाते, इतने शौचालय और भी तमाम कामकाज हो जाते, 20,000 करोड़ रुपए को लेकर अगर वो देश के भीतर सही तरीके से रहता तो लोगों के सामने रहता। सुधांशु जी देखिए, ऐसे बचकाने तर्क कांग्रेस पार्टी को देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू का असेसमेंट है शेयर मार्केट होता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे आम आदमी कह रहे इतने ये बन जाते, ये बताइए एक हफ्ते में 5 लाख करोड़ का घाटा हुआ कि नहीं? एक हफ्ते में 5 लाख करोड़ रुपए गए कि नहीं? क्या 5 लाख करोड़ खर्च हो सकते हैं किसी से एक हफ्ते में? जी नहीं। वो नोशनल वैल्यू होती है शेयर की, जो एक स्टेज में ये थी, एक हफ्ते के बाद यहां आ गई, और इसके आधार पे तय होता है कि इतना मुनाफा हुआ, इतना फायदा। उसको आप वास्तविक पैसे के साथ और एसेट्स के साथ जोड़ने की बात करें, यह बहुत बचकानी बात है। शेयर मार्केट में पैसे की वैल्यू और जमीन पे एसेट की वैल्यू, दोनों के असेसमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या राहुल गांधी का प्रभाव आ गया है कि कांग्रेस के लोग ऐसे विचित्र प्रकार के बयान देने लगे हैं। तो इस पे अब एक और बात कहना चाहता हूं, आप जवाब नहीं दे रहे, मगर हम आपसे पुनः पुनः वही स्पष्ट रूप से जवाब पूछना चाह रहे हैं। देखिए आशुतोष वर्मा जी क्या बोले, ये भी कहे कि हाँ जेपीसी में सही निर्णय नहीं होगा, मगर जेपीसी होनी भी चाहिए। अद्भुत तर्क है ना। अब एक तरफ कह रहे हैं कि साहब वो प्राइवेट प्लेन उतरता है, तो मैं पूछना चाहता हूं उनके नेता ने सेफई में जो एयर स्ट्रिप बनाई थी, वहां वो चार्टर्ड प्लेन नहीं उतरना था तो क्या कोई एयर इंडिया की सर्विस फ्लाइट जाती थी क्या, या कोई एयर एशिया की सर्विस फ्लाइट जाती थी या विदेश की सर्विस फ्लाइट उतरती थी? उसमें किसके जहाज में बैठ के जाते थे, कोई अपना जहाज खरीदे हुए थे? देखिए इस ढंग के जब निरर्थक निराधार तर्क विपक्ष के लोग देने लगे और उनके सामने यथार्थ में कोई जवाब ना हो। हाँ। मैं पुनः पूछ रहा हूं, 20,000 करोड़ का आधार क्या है? आधार बताइए ना। बोलिए, आधार सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है जो खुद अपने यहां प्रोसीडिंग फेस कर रहा है। इसीलिए शरद पवार जी ने, आप देखिए एक लाइन और कह दूं, राजनीतिक उत्तर दे दूं, अरे भाई आपके छोटे मोटे नेता नहीं कह रहे हैं, शरद पवार जी टॉलेस्ट लीडर हैं इस समय, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी जी आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री अभी छोड़ के गए, और इससे पहले आपके कितने लोग पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ गए, मुझे समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति एक बार भी मंत्री नहीं रहा वो सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के विजडम के ऊपर, विवेक के ऊपर आकर कुछ भी बोलने लगते हैं। शायद ये इतना सच्चा पहचान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए लगातार गच्चा खाते जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स। अभय दुबे जी यही बात है क्या? और गुलाम नबी साहब ये भी कह रहे हैं, हमारे ही इंटरव्यू में उन्होंने जोड़ा है कि अनुभवहीन चापलूसों की जो मंडली है वही इस समय मैं कांग्रेस में कामकाज कर रही है, बड़े नेताओं की सुनी नहीं जा रही। चित्रा जी देखिए, रेड्डी जी हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो, इनका बयान शरद पवार जी के बयान से बिल्कुल अलग है। जेपीसी क्यों? आज समूचे देश को सुनना चाहिए कि जेपीसी की अनिवार्यता क्यों है। आप याद रखिए देश के लोगों, पेगासिस के निर्णय में सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा था? ये कहा कि हमको सरकार ने अपेक्षित मदद नहीं की, नहीं तो हमारी कमेटी की जांच जो समिति बनी थी उसकी अपेक्षित मदद की होती तो परिणाम कुछ और होते। क्या ये बात सही नहीं है कि राफेल के केस में लिखा सरकार अदालत ने कि हमारे पास सीमित अधिकार हैं, तो क्या असीमित अधिकार जेपीसी के पास नहीं? क्यों बार बार जेपीसी की बात कर रहे हैं? इतने पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्यों उतारना पड़ रहा है जेपीसी के खिलाफ? ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेपीसी समन कर सकती है, जेपीसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगा सकती है, जेपीसी अधिकारियों को बुलाकर तलब करके दस्तावेज आपकी बात पर अपने पास ले सकती है। तो यही कारण है कि ये जेपीसी की मांग से भाग रहे, नहीं तो क्या
अगर जेपीसी इतनी अप्रासंगिक है तो एक क्षण में स्वीकार कर ली जाती, क्यों नहीं स्वीकार कर रही है।